हेलो एवरीवन वेलकम टू एस्परेंस विद ग्रीन टी जो आज क्वेश्चन हम देखेंगे वो एन पे है या नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वही ये बोथ आपके करंट अफेयर्स पोर्शन और स्टैटिक पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों का आ, पार्ट फॉर्म करता है तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दोनों एन के बारे में लेट्स ही एन सी आई या नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री तो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोशन में हेल्प करता है तो हम डायरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी एन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो एन है वो दो ऑर्गेनाइजेशंस या दो बॉडीज़ ने मिलकर फॉर्म किया है तो एक तो उसमें से आर बी आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी है आई या इंडियन बैंक एसोसिएशन तो आर और आई ने दोनों ने मिल ये एन को फॉर्म किया है और इसकी इस्टैब्लिशमेंट हुई है अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट ऑफ 2007 तो ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के अंदर ये इस्टैब्लिश हुआ है बाय आर बी आई एंड आई तो पहले तो ये बात हो गई अब जो एन है इसके फंक्शन जो सबसे प्राइमरी फंक्शन है वो यही है फाइनेंशियल इंक्लूजन फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब ये जनरली प्राइमरी uh, तो नहीं कहूँगा बट uh, इसका जो फंक्शंस में से सबसे कोर फंक्शंस में जो पार्ट करता है फॉर्म वो ये है कि ये फाइनेंशियली जिस जैसे भी कंट्री में चीजें चीज़ें वर्क करती है फाइनेंशियल जो सिस्टम है या तो उसको और एफिशिएंट बनाने के लिए या उसको और स्ट्रॉन्ग और कंसोलिडेटेड बनाने के लिए ये इसके कुछ ना कुछ इनोवेशन आते रहते हैं तो वो डायरेक्टली आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी हेल्प करता है काफ़ी ऑब्वियस सा सिचुएशन है तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं एन पी सी आई हैज़ लॉन्च्ड रूपे तो ये रूपे कार्ड्स आते हैं हमारे तो ये एन पी सी आई हैज़ लॉन्च्ड रूपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी एन पी सी आई ने ही रूपे कार्ड की स्कीम लॉन्च की है और ये भी काफ़ी ऑब्वियस नॉलेज है ये तो मतलब जनरल नॉलेज है कि रुपए कार्ड एन ने ही बनाया है और लेकिन इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और भी काफ़ी सारे इनोवेशन हैं, जो एन के पार्ट पे आपको सुनने को मिलेंगे और आपको पता होने चाहिए एज अ कैंडिडेट ऑफ़ यू तो उनमें से एक और सबसे फेमस है यू या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस तो वो भी एन का ही इनोवेशन है सेकेंड है आई या इमीडिएट पेमेंट सर्विस तो आई एम पी एस अगेन एन पी सी आई थर्ड है एन ए सी एच या नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस तो एन ए सी एच भी एन पी एन पी सी आई का ही है फिर है आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम तो ए पी एस तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी एन पी सी आई ही रन करता है और फाइनली नेशनल फाइनेंशियल स्विच तो वो भी एन एफ एस वो भी एन पी सी आई रन करता है इस और रूपे कार्ड तो हमने पढ़ा ही रूपे भी तो दोनों स्टेटमेंट आंसर के लिए सही है बोथ वन एंड टू विल बी करेक्ट